रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, यानी कि इन थ्री डायमेंशंस। हमने पिछली रिकॉर्डिंग में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन पढ़ा था। लॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए थे। अब हम एक वेक्टर के थ्री डायमेंशन में, मीन्स लॉन्ग एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स लेंगे। क्लियर। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ड्रॉ करेंगे, ओ एक्स वाई सेट, ओ एक्स वाई एंड सेट। लेट सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस, से दिस वेक्टर इज रिटन एज वेक्टर आर। आई वांट टू टेक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। इसके लिए वेक्टर आर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इन एक्स जेड प्लेन। क्लियर। अब ये देखिए, यहां पर मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर वन, और ये वेक्टर क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि ये वाला वेक्टर ओ वाई यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए मैं इस वेक्टर का नाम वाई जे कैप रख सकता हूँ। वाई रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, जे कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे एक बार आर वाई वेक्टर भी लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर मेरे पास वेक्टर जो आर है, ये दो हिस्सों में बंट गया। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, वेक्टर आर वन प्लस वेक्टर आर वाई। क्लियर। अब मुझे आर वन वेक्टर के फिर से दो कंपोनेंट्स लेने हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। इसके लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करूंगा। ओ जेड एक्सिस के पैरेलल, ओ जेड एक्सिस लाइन के पैरेलल मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और फिर एक लाइन ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर ड्रॉ करूंगा। क्या ये क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गए। अब ओ एक्स वेक्टर इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ जेड के अलोंग वेक्टर। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसे मैं आर एक्स वेक्टर लिख सकता हूँ, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो मैं इसे आर जेड वेक्टर लिख सकता हूँ। अब आर वन वैक्टर जो है, इट मे बी रिटन एज आर एक्स वैक्टर प्लस आर जेड वैक्टर। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू आर वन की जगह हम लिखेंगे आर एक्स वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। मीन्स वेक्टर आर मे बी रिटन एज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। अब आर एक्स वेक्टर क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स आई कैप। आर वाई वेक्टर को लिख सकते हैं वाई जे कैप, एंड आर जेड वेक्टर को लिख सकते हैं जेड के कैप। मीन्स हम एक वेक्टर के तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले सकते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखनी हो तो कैसे देखेंगे? ध्यान से, अगर आर वन वेक्टर की मैग्नीट्यूड देखनी हो तो मेरे पास, मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, पहले आर एक्स वेक्टर को ऐसे लिख लें, एक्स आई कैप प्लस वाई सॉरी जेड के कैप। अब एक्स एंड जेड जो है वो आई और के कैप के अलोंग है, मीन्स परपेंडिकुलर है। मीन्स यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से या वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो कैलकुलेशन पढ़ी थी हमने, वो अगर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनफैक्ट जो हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन लिया था, उसमें भी यही कैलकुलेशन आई थी। ओके, अब अगर मैं इन दो वेक्टर्स को देखूं, वेक्टर आर एंड वेक्टर
आर जे आर वन एंड वैक्टर आर वाई, ये दोनों वैक्टर्स भी आपस में 90 डिग्री पे हैं। थ्री डिमेंशन की वजह से यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री पे नहीं लग रहे, बट आप समझ सकते हैं ये एक्स जेड प्लेन है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एंगल विल बी 90 डिग्री। तो अगर मैं आर वन वैक्टर की मैग्नीट्यूड लिखूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। और अगर अब यहाँ से सॉल्व करें वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड लिखें, क्योंकि आर और आर वन और आर वाई परपेंडिकुलर है, तो इट मे बी रिटन एज आर वन स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, आर वन स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से कितनी आ गई थी, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। आर वाई वैक्टर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जे कैप को, तो आर वाई की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी हो जाएगी वाई, इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर। मीन्स आर मे बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर आर। ठीक है, तो अगर एक वैक्टर के तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उस वैक्टर की मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। नाउ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वी हैव डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। अगर मुझे एक वेक्टर के डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शंस को देखने के लिए हम कोसाइन ऑफ द एंगल यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर आर है, इसके तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, दीज आर एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो मैं वेक्टर आर को लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसा कि हमने अभी लिखा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब वेक्टर आर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल लिया, अल्फा। ठीक है, अब जो आर है That may be written as, r को नहीं x को लिखेंगे, x by r may be written as cos alpha। देखिए कैसे, यहां से ये perpendicular draw किया तो ये right angle triangle बन जाएगी, तो base upon hypotenuse x by r will be cos alpha। Similarly अगर ये vector y axis के साथ beta angle बनाता है तो हम यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं, y by r is equal to cos beta। एंड इन द सेम मैनर अगर ये वेक्टर z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है तो हम लिख सकते हैं z by r is equal to cos gamma। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वेयर करके प्लस कर दें, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर, then we may write down x square plus y square, x square by r square plus y square by r square plus z square by r square is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma। अब अगर LCM लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x square plus y square plus z square by r square, this is equal to cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma। ठीक है, अब ये देखिए x square plus y square plus z square form equation number 1, ये कितना बन जाएगा r square, r square से r square cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। Sum of the squares of the direction cosines of a vector is always equal to 1। याद हो जाएगा, ध्यान रखना है, these are called direction cosines। ठीक है, cos alpha direction cosine, जो direction बताने के लिए use कर रहे हैं cos की terms में, cos theta, cos beta and cos gamma are called direction cosines of vector r along x, y and z axis। And final result क्या है, sum of the squares of the direction cosines of a vector is always equal to 1। आप इस result को further एक और result में भी convert कर सकते हो। अगर cos square alpha,
को सॉल्व करना हो तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वेयर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 3 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास आंसर बन जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 2। दिस इज अनदर रिजल्ट दैट मे बी रिमेम्बर्ड एज सच। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दैट इज इन स्पेस।